नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, RBL बैंक बाय सेल होल्ड और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरे लेवल्स पता चलेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी पता चलेगी और उसका टेक्निकल एनालिसिस भी पता चलेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2 दिन पहले एक टाटा मोटर्स पे, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक वीडियो बनाया था, टाटा मोटर्स बाय सेल होल्ड और इम्पोर्टेंट लेवल्स। मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसमें हमने कुछ टारगेट्स दिए थे और स्टॉप लॉस भी दिया था, और ये था लगभग हमारा 31 अगस्त तक का। जैसे कि हमने इस वीडियो में पूरा बताया था कि कौन सा लेवल अचीव करेगा या क्या भी। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए दिखा दूंगा, थोड़ा सा ये भी सुन लीजिएगा। तो वो टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं आज ही के दिन, हमने 31 अगस्त तक का बोला था। तो देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके अंदर ही जितना टाइम बिताएगा ये लेवल के अंदर। ओके, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने इसमें क्लियरली बता दिया था कि पूरे क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसे है, तो देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे ये पूरे जोन में 3 मंथ्स बिता दिए, अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे लंबा समय उसको बिताना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुरंत 1-2 दिन 4 दिन के अंदर ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट बोला जाता है इसको। और ये ब्रेकआउट कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैंने, ये जो लेवल है पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, कौन सा लेवल है राइट साइड में देखिए 112, तो कंसोलिडेशन जोन है आपको पता है। मतलब अगर कोई बाय करना चाहता है तो यहाँ पे बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस कितना लगेगा, 90 रुपीज का, मतलब 20 रुपीज का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ से वो बाय कर सकता है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकता है। लेकिन ये सब मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपको करना है वो आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपने पॉकेट के। ओके, तो आपने देखा होगा इसमें मैंने अपने पूरे टारगेट्स बता दिए थे, जो भी है कि कहाँ तक जाएगा, कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या सब चीजें बता दी थी। अगर आपने वो फॉलो किया होगा और ट्रेड लिया होगा तो आप आज प्रॉफिट में होंगे जरूर, मुझे पता है पक्का है कि नहीं, आपने किया भी होगा। तो चलिए आज जो हमने बोला था उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, आज हम RBL बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देख सकते हो RBL बैंक लगभग फेब्रुवरी महीने से, जब कोरोना आया था तब था कुछ 350 से लेके 400 के बीच में। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, तो अभी का टाइम फ्रेम है 1 डे है, तो इसमें देख पा रहे हो आप कि जो फेब का महीना था, मतलब देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जनवरी से लेके फेब्रुवरी तक ये एक जोन था, ये लगभग 320 से लेके 370-380 तक था। तो ये जब जिसने ये अपना ब्रेक, ये जोन ब्रेक कर दिया, ये वाला मैं आपको रेक्टेंगल लेके दिखाता हूँ, हम हमेशा ऐसे एनालिसिस करते हैं। ओके, तो जब इसने अपना ये जोन ब्रेक कर दिया तो देखो गिरावट कहाँ तक चली गई, गिरावट लगभग 300 के नीचे चली गई और उसने लो बना लिया 102 रुपीज का। ओके, उसके बाद क्या हुआ अभी ये भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ, ये यहां से एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, और ये कौन सा पैटर्न है, ये W पैटर्न है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कहां पे आ जाएगा ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, आप अगर यहाँ पे पोजीशन बना लेते तो भी अच्छा था फर्स्ट टाइम। ओके, अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिला तो एक बार रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते थे, ये हो गया सेकेंड टाइम। ओके, ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये पूरा जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन था। ओके, तो 2 टाइम एंट्री आपके अगर मिस हो चुकी है, 135-145, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच में कुछ न्यूज आया था 118 के आसपास, मतलब 118 से लेके 120 के बीच में, यहाँ पे FIS ने कुछ अपनी होल्डिंग लॉन्ग कर ली थी, मतलब यहाँ पे वो बुलिश थे इस लेवल पे, और उनका स्टॉप लॉस कितना होगा देख सकते हो 107 रुपीज का, मतलब 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और वो लॉन्ग है वहां से। तो मैं ये पहले ड्रॉइंग टूल हटा देता हूँ आपके लिए। ओके, तो अभी के लिए चेक करेंगे क्या है, तो जैसे कि देख पा रहे हो ये जो लेवल्स आ चुका है अभी 200 का, ये कब का था, ये लगभग 13 मार्च 2020 का था। उसके बाद ये एक बार ट्राई किया था, कहाँ पे किया था ये डेट भी देख लेते हैं हम, 24 जून को किया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया और फिर से ऊपर जा चुका है। तो आज का डेट है 26 अगस्त, ये यहाँ पे विथ वॉल्यूम ऊपर गया है। ओके, जो अभी पैटर्न ड्रॉ किया मैंने उसको कप एंड हैंडल का पैटर्न बोला जाता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है इसको कप एंड हैंडल का पैटर्न बोला जाता है।
इसका ब्रेकआउट रहेगा ऊपर की तरफ, ओके एज विजुअल ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है सही से करना है तो आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने ये जो नई सीरीज शुरू की हमने स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में, तो इसमें लेवल्स पढ़ाते हैं, तो आप लेवल्स भी लिख के रख सकते हो। देखिए कल तक के जो वीडियो थे वो अलग तरीके थे, उसका एनालिसिस अलग था, उसमें ट्रेंड लाइन वगैरह बना था। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है इसको कप एंड हैंडल बोला जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैटर्न था, इसका ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम गया था यहाँ पे, ये हुआ फर्स्ट टाइम, ये गया सेकेंड टाइम। जरूरी नहीं कि कल के कल ही अपना हाई ब्रेक कर दे, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स को देखते हुए कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, जरूर होगा। 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी भी ओपन ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इनिशिएट करना है एक लॉन्ग ट्रेड तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से एक बार ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए और बाय कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने बाय कर दिया और आपको लगे कि ये ऊपर 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 जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मार्केट चेक करता है कि वहां पे स्ट्रेंथ आ रही नहीं आ रही। यहाँ पे जो बायर्स ने अपना खेल खेला इस जोन में, वो चेक करेंगे कि उनको ऊपर जाने में बाकी के रिटेल ट्रेडर्स भी हेल्प कर रहे कि नहीं कर रहे। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो का नीचे रहना चाहिए, मतलब ये रहेगा 177 के आसपास, ओके। अगर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है तो स्टॉप लॉस ये रहेगा, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वेट कीजिएगा, बाद में रिट्रेस लेवल चेक करने के लिए सपोर्ट लेने के लिए जरूर आ जाएगा, तब आप अपना यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, और टारगेट के बारे में बात करेंगे अभी, जो टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कल ही होगा, लेकिन जब होगा तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस यही बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला टारगेट जो बन के आएगा, निकल के आएगा, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला वाला टारगेट ये बन जाएगा 226, उसके बाद बन सकता है 247, ओके, उसके बाद जा सकता है 271 तक। तो ये कुछ लेवल्स है, कुछ टारगेट्स है, आप लिख के भी रख सकते हो। अगर आप एनालिसिस करना जानते हो तो भी आप खुद से कर सकते हो, मेरा एनालिसिस एज रेफरेंस के लिए रख सकते हो, लेकिन आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप अपना पैसा लगा दीजिए, उसी के बाद ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे, ओके। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस कर दिया, ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन चीजें कैसे होती है क्या है ये सब आप सीखिएगा, खुद एनालिसिस करिएगा, खुद थोड़ा टाइम स्पेंड कर दीजिएगा। कोई भी चीज होने के लिए समय जरूर लगता है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि बहुत बार सुना होगा कि आपके पास सब नॉलेज रहता है, आपको पैटर्न पहचानना आता है, ब्रेकआउट समझना आता है, सब प्राइस एक्शन वगैरह आता है, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हो, टारगेट कुछ अचीव नहीं कर पाते हो। तो स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, प्रॉपर टारगेट कैसे रखना चाहिए, ये सब चीजें मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, लेकिन ये आपको जरूर समझना चाहिए कि आप ट्रेडिंग करते समय आपकी जो भी साइकोलॉजी है वो सही में हो। मतलब अगर आपको पहले से ही पता है कि बाय करना है तो ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट का कंडीशन देख के आप सेल साइड कर रहे हो, मतलब आप पहले से प्रिपेयर थे बाय की तरफ और मार्केट को देख के आप सेल कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ओके। तो ये हो गया साइकोलॉजी का पार्ट। उसके बाद अभी देख सकते हो ये जो मैंने बताया पैटर्न, उसको अच्छे से आप खुद भी स्टडी कीजिए, आपके पॉकेट साइज के रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अगर आपके पॉकेट साइज में आ रहा है तो ट्रेड इनिशिएट कीजिए, नहीं तो कुछ देर वेट कीजिए। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले टाटा मोटर्स का वीडियो बनाया था, उसके टारगेट पूरे अचीव हो चुके हैं, उसके बाद ITC का बनाया है, ICICI बैंक का बनाया है। अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो तो नीचे लिंक लेके, नीचे हमारा चैनल है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, पूरे YouTube में, पूरे हमारे चैनल में वहां पे वीडियो अवेलेबल है। और अगर डेली फ्री में अगर आप इक्विटी के लिए कॉल्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप जैसे भी सपोर्ट कर रहे हो हमेशा ऐसे ही कीजिए, उसके लिए भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मन करे तो कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहे तो ऐसे ही अपने दोस्तों के मिलने के लिए चैनल को, ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ओके। तो यही का आज का वीडियो यही समाप्त करते, तो चलिए स्टॉप करते, धन्यवाद।